वेलकम दोस्तों टेक्सटॉक यूट्यूब चैनल पर एंड मेरा नाम है राहुल। दोस्तों आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि कुछ दिनों पहले अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 ऐप्स बैन कर दिया था कुछ डेटा प्राइवेसी को इश्यूज को लेके। तो आज के वीडियो में हम वही बैंड ऐप्स के अल्टरनेटिव ऐप्स देखेंगे एंड ये सारे ऐप ट्रस्टेड हैं एंड इन सभी ऐप्स में कोई भी प्राइवेसी इश्यू नहीं रहेगा। वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एंड लिस्ट में जो नंबर 4 एप्लीकेशन में है, एक नहीं बहुत सारे एप्लीकेशन है जो रिप्लेस करते हैं एप्लीकेशन लाइक टिकटॉक एंड लाइक ऐप्स वगैरह को। तो दोस्तों इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव अभी इंडिया में ही डेवलप्ड हुए हैं, ऐप्स लाइक चिंगारी, मित्रो, टिकटिक एंड ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। एंड जो आप लिस्ट अभी स्क्रीन पर देख रहे हो वो दोस्तों इंडियन के शॉर्ट क्लिप्स ऐप्स के हैं एंड इनमें से बहुत सारे का सर्वर दोस्तों बहुत जल्दी क्रश हो जाता है। जब बल्क में लोग डाउनलोड करते हैं इनहेंस करने के लिए तो दोस्तों इसका सर्वर क्रैश हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इन ऐप्स को अभी आप डाउनलोड ना करें। अभी के टाइम पे एक ही एप्लीकेशन है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो एंड दोस्तों वो एकदम स्मूथ वर्क करता है, वो है दोस्तों इंस्टाग्राम का रील फीचर। इंस्टाग्राम तो आप सभी लोग यूज करते ही होंगे एंड रील्स को देखा जाए तो दोस्तों एक तरह से ये पूरा का पूरा टिकटॉक का लुक पे बेस्ड है एंड इसे अभी आप इंडिया का टिकटॉक बोल सकते हो। सारे टैलेंटेड टिकटॉक इस पर आ गए हैं एंड अपना टैलेंट दिखाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस पर एक अच्छी बात है कि दोस्तों टिकटॉक का जो टैलेंट है हमें यहाँ पर दोस्तों बहुत कम देखने मिलेगा। एंड और एक बात जो मुझे अच्छी लगी दोस्तों कि ये रील का जो फीचर है उसका एल्गोरिथम दोस्तों आपको सब कैटेगरीज की वीडियो आपके सामने ला के रख देगा, चाहे वो फूड कैटेगरी हो या फैशन या फोटोग्राफी। नंबर 2 एप्लीकेशन है फाइल एंड फाइल्स एप्लीकेशन दोस्तों गूगल ने डेवलप किया है एंड इसके ऊपर आप दोस्तों 100% ट्रस्ट कर सकते हो एंड इससे आपका दोस्तों पूरा डेटा ट्रांसफ़र, फाइल मैनेजर एंड स्टोरेज इशू सॉल्व हो जाएगा। फाइल्स एप्लीकेशन सारे ऐप्स लाइक शेयरिट, जेंडर को रिप्लेस करता है एंड इसकी ट्रांसफरिंग स्पीड दोस्तों बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू शेयरिट, जेंडर वगैरह ऐप से। 1 GB फाइल अप्रोक्सीमेटली दोस्तों ये 2 से 3 मिनट में ट्रांसफ़र कर देता है। और एक बात दोस्तों, ये ऐप दोस्तों और ऐप्स को रिप्लेस करता है लाइक ES फाइल मैनेजर एंड दूसरे थर्ड पार्टी फाइल मैनेजर एप्लीकेशंस उनको भी। फाइल एप्लीकेशन के थ्रू दोस्तों आप अपने स्टोरेज को डिक्रीज भी कर सकते हो कुछ जंक फाइल्स को डिलीट करके एंड फाइल एप्लीकेशन में डार्क मोड फीचर भी अवेलेबल है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी जो बात है दोस्तों ये फाइल्स एप्लीकेशन में कि यहाँ पर दोस्तों कोई भी एड्स नहीं है एंड अगर आप चाहे तो इस फाइल एप्लीकेशन को अपना डिफॉल्ट फाइल मैनेजर ऐप बना सकते हो। एंड और एक अल्टरनेटिव ऐप है जो रिप्लेस करता है शेयर जेंडर को, वो है दोस्तों जियो स्विच। एंड जियो स्विच एप्लीकेशन दोस्तों मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है, आपको तो मालूम ही होगा एंड इससे भी दोस्तों आप अपने फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। इस ऐप में भी दोस्तों कोई भी एड्स नहीं है एंड ये जियो स्विच एप्लीकेशन एड फ्री है। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन है टीम्स। टीम एप्लीकेशन रिप्लेस करता है जूम एप्लीकेशंस को एंड विदाउट एनी डेटा प्राइवेसी इशू एंड ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। टीम्स एप्लीकेशन को दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है तो इसके ऊपर आप दोस्तों आराम से ट्रस्ट कर सकते हो। एंड और एक बात दोस्तों, एप्लीकेशन स्पेशली उन लोगों के लिए डेवलप किया है जो स्टूडेंट्स हैं एंड जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जब आप साइन इन करते हो तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, मीन्स बिजनेस अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। एंड जो होस्ट है उसे लिंक क्रिएट करना होगा और दूसरे मेंबर्स को कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन होने के लिए। बट नॉट द लिस्ट एप्लीकेशन है एडोब स्कैनर एंड ये एप्लीकेशन कैम स्कैनर ऐप्स को रिप्लेस करता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट वर्क इसके थ्रू आप इजीली कर सकते हो, हर हार्ड कॉपी को आप सॉफ्ट कॉपी का लुक दे सकते हो एंड एप्लीकेशन में दोस्तों एक इनबिल्ट डार्क मोड का सपोर्ट भी है, आप चाहे तो उसे ट्राई कर सकते हो। एंड एप्लीकेशन ओपन करते आपको 4 ऑप्शंस देखने मिलते हैं, वाइट बोर्ड, फॉर्म, डॉक्यूमेंट एंड बिजनेस कार्ड। जिसमें भी आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है तो आप इसके थ्रू स्कैन कर सकते हो। जैसे मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करता हूँ तो एकदम परफेक्ट से क्लिक करता है एंड आगे पूछता है आपको इमेज को क्रॉप करना है या नहीं। एंड इसका क्रॉप टूल है वो एकदम धासू सा है और बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। एंड आगे एक फीचर है जिसके हेल्प से आप डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर सकते हो, A4, A5, A3, पोर्ट्रेट A3, लैंडस्केप एंड सो ऑन।
एंड यहाँ पर कुछ कलर्स भी अवेलेबल है, आप शायद उससे भी अपने डॉक्यूमेंट्स में ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, एंड ये सारे ऐप्स आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर दो। एंड मेरा नाम है राहुल, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।